सेंड टू बैक पे क्लिक कर रही, तब क्या होगा, ये सेप आपका पीछे चला जाएगा, वो सेप आगे आ जाएगी। अगर आप बीम फॉरवर्ड के ड्रॉप डाउन एरो पे जाते हैं, बीम टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं, ये सेप आगे आ जाएगा, वो वाला पीछे चला जाएगा। सिलेक्शन पैन पे जाते हैं, आपसे यहाँ पूछ रहा है कौन सा सेप आपको शो करना है, कौन सा आपको हाइड करना है। जो आप हाइड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक कर देना, हाइड हो जाएगा। शो करना है तो यहीं से आप उसे क्लिक कर देंगे। साथ में हाइड करना चाहते हैं तो हाइड हो, साथ में शो करना चाहते हैं तो शो। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको यहाँ पहले ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा है, एमएस वर्ड में ये ऑप्शन आपके अप्लाई होते हैं टेस्ट वगैरह में, इसमें ये ऑप्शन आपका टेस्ट में अप्लाई नहीं होता। फिर नेक्स्ट है इसमें ग्रुप का, अभी आप देख रहे हैं ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रुप बनता है दो या दो से ज़्यादा। अभी अपन ने एक सेट सिलेक्ट किया, आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो इस पर से सिलेक्शन हट जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना, कंट्रोल के साथ दूसरे सेट पे क्लिक करना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करना और दूसरे सेट पे क्लिक कर देना। आप अरेंज पे जाएंगे तो ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, इन दोनों का यहाँ पे साथ में ग्रुप आपका बन गया। यानी अनग्रुप करना है, अरेंज पे जाके ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो पे जाके अनग्रुप पे आप क्लिक कर देना, ये अनग्रुप हो जाएगा। अब इसमें ही आप देख रहे हैं एक ऑप्शन दे रहा है रीग्रुप, रीग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वापस वो इसका ग्रुप बना के आपको दे देगा। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट का, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, कितना आप इसे रोटेट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, आ जाएगा। अब आप देखते हैं, अब अपन पढ़ रहे थे डेटा टाइप, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका ग्रुप होता है गेट एक्सटर्नल डेटा। इससे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आपने किसी और फाइल में कोई डेटा तैयार किया हुआ, वो अपन को यहाँ पे गेट करके एमएस एक्सेल में लेके आना है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता रहे हैं फ्रॉम एक्सेस, मतलब आपने अपना जो भी डेटा एमएस एक्सेस में तैयार किया हुआ, अगर वो आपको एमएस एक्सेल में लेके आना है, तब आप यहाँ से फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। इस टाइप का डायलॉग से आपका ओपन हो जाएगा। अब आप इसे स्क्रॉल करना, आप देखना आपके एम एस एस सी का डेटा कहाँ पर है, एफ ड्राइव में है या जी ड्राइव में। आपके सिस्टम में जो भी ड्राइव बनी होगी, बस सी ड्राइव का मत लेना, सी ड्राइव से छोड़ दी, जो भी ड्राइव आपकी बनी होगी आप सिलेक्ट कर लेना। अब आप कहीं जैसे अपन ने एफ ड्राइव में कहीं डेटा बना हुआ, अब अपन ने इस पर क्लिक कर दी, एम एस एस सी का डेटा है। आप पहचानेंगे कैसे, एम एस एस सी की फाइल का आइकन ये होता है, जिसके ऊपर ए लिखा रहता है, वो रेड कलर में आती है। अपन इस पर क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके सामने सिलेक्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो एम एस 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 की फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर दो टेबल बनी हुई है, एक टेबल बनी है पी जी डी सी के नाम से, एक टेबल बनी है स्टेट के नाम से। आप इसमें कौन सी टेबल का डेटा लेना चाहते हैं, अपन ने बोल दिया अपन को पी जी डी सी वाले टेबल का डेटा लेना, इस पर क्लिक किए, देन अपन ने इसको ओके कर दिया, आपके सामने इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा एंड योर वर्कबुक। आप अपने वर्कबुक में अपना डेटा कैसे देखना चाहते हैं, मतलब टेबल के फॉर्मेट में, पाइवट टेबल रिकॉर्ड में, या पाइवट चार्ट में, ओनली क्रिएट कनेक्शन में। अपन ने बोल दिया टेबल, इस पर क्लिक किए। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे वेयर डू यू वॉन्ट टू पुट द डेटा, आप अपना डेटा कहाँ पे पुट करके रखना चाहते हैं। दो ऑप्शन दे रहा है, एसाइडिंग वर्कशीट पे जाइए, आप इसे लोकेशन दे सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसने यहाँ की लोकेशन ले ली। अगर आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू वर्कशीट पे आपका डेटा दे देगा। अभी अपन ने इस पर क्लिक किया, देन ओके कर दिया, देखिए पूरा डेटा आ गया। इस टाइप से पूरा डेटा जो एम एस 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 में तैयार हुआ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसे हटाना है, आप पूरा सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से आप डिलीट पे क्लिक करना, तब आपसे यहाँ पूछ रहा है द रैंक यू डिलीट, क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। और सेकेंड ऑप्शन है, आप जब होम टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है क्लियर, इससे ड्रॉप डाउन एरो पे जाके आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तब भी आपको सेम ऑप्शन दे रहा है, क्लियर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो नो। अपन ने कर दिया क्लियर, पूरा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा।
आ जाएगा तू, आप बताइए इतना ही रहने देंगे? आ जाएगा इतना ही रहने, चल नहीं है आप?